हेलो ऑल। सो आज मैं आपके लिए रियल नंबर्स चैप्टर का और एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो नॉर्मली क्या है, ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्टी रहता है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप ये समझ गए तो। तो मैं ये क्या करूँगा, ये जो रियल नंबर मेरे साथ बने रही है मेरे आगे के वीडियोज़ में, मैं ये रियल नंबर्स का जो चैप्टर है वो आपको बहुत ईजी करके दूंगा, आपके अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर करके दूंगा। तो आज का जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन्स हमको क्या पूछा है कि जो 6 to the power n से जो नंबर्स बनेंगे, ठीक है, वो क्या डिजिट 0 से एंड करेंगे? ऐसा कोई n की वैल्यू है, n एक नेचुरल नंबर है, और ऐसा कोई n का वैल्यू है क्या जिसके वजह से आपका 6 to the power n 0 से एंड करेगा? ठीक है, तो इसमें हमको देखना है 6 to the power n मतलब हम n की वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो आपका आता है 6, n की जगह अगर हम 2 डालते हैं तो आता है आपका 36, n की जगह 3 डालते हैं तो आता है 216, और इस तरीके से हमको n की वैल्यूज डालते रहना है, और हमको ये पता करना है कि क्या वो डिजिट 0 से एंड करेगा क्या। तो ये तो हमको मालूम चल रहा है इसको देख के कि ये डिजिट 0 से एंड नहीं करेगा, लेकिन क्या है हमको इसको एग्जाम में क्या करना है, किस तरीके से हमको लिखना है, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगी। तो इसको आपके कुछ 2-3 स्टेप्स है, वो अगर आप फॉलो करते हो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखते हो, तो आप इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे साथ बने रहिए। तो आगे क्या है, लुक, हमको क्या करना है, इधर दिया हुआ है चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो देखो अगर कोई भी नंबर 0 में एंड कर रहा है ना, हम एग्जांपल लेते हैं 50 40 30 20 10, इतने सारे नंबर्स क्या है 0 में एंड कर रहे हैं। तो अगर कोई भी नंबर 0 में एंड कर रहा है तो ध्यान क्या देना है, ऑल दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, ऑल दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, ओके, ऑल दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो ये तो मालूम चल गया कि अगर कोई जो जो भी डिजिट नंबर है 0 से अगर एंड होगा तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब हमको ध्यान ये देना है कि 6 to the power n को किस तरीके से हम लोग, ये जो हमारा हिंट है, ये जो हमारा 5 से डिविजिबिलिटी का जो दिमाग में आ रहा है कि कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो 5 से डिविजिबल होगा, उसको हम लोग कैसे स्टेटमेंट के फॉर्म में इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। सो लेट्स सी। तो पहले आपको क्या दिया हुआ है कि 6 to the power n हैज टू एंड विद द डिजिट 0। सो लेट अस राइट फॉर 6 to the power n टू एंड विद द डिजिट 0, टू एंड विद द डिजिट 0 हमको क्या करना है, फॉर 6 to the power n टू एंड विद द डिजिट 0 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, है ना। तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, करेक्ट। अगर ये डिविजिबल बाय 5 होगा तो विच इंप्लाइज क्या होना चाहिए, अगर हम 6 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, है ना, तो क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n मस्ट कंटेन द प्राइम 5, है ना। अगर ये डिविजिबल बाय 5 होगा इसका मतलब द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n मस्ट कंटेन द प्राइम 5, करेक्ट। फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं 50 लेते हैं, तो 50 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो कितना हो जाता है 2 25 5 and 5, तो क्या प्राइम फैक्टर्स निकले 2 5 and 5, है ना। मतलब वो अगर डिजिट 0 है, डिजिट 0 से एंड होगा तो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर 5 उसमें होना ही चाहिए, ठीक है। यहां तक स्टेप आपका क्लियर हुआ, पहले आपको क्या लिखना है, फॉर 6 to the power n टू एंड विद द डिजिट 0 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, और अगर वो डिविजिबल बाय 5 है तो इट मस्ट कंटेन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n मस्ट कंटेन द प्राइम नंबर 5। अब क्या करेंगे, बट 6 to the power n है तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे, 2 into 3, है ना, तो ये कितना निकल रहा है 2 to the power n into 3 to the power n, तो हम क्या लिखेंगे, बट 6 to the power n इतना, तो क्या होता आएगा, द प्राइम फैक्टराइजेशन
द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n कंटेन्स ओनली द प्राइम नंबर्स कंटेन्स ओनली द प्राइम नंबर्स 2 एंड 3. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n में क्या क्या आ रहा है? द प्राइम नंबर 2 एंड 3 आ रहा है ना. एंड तो अगर ये 2 एंड 3 आ रहा है तो हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक है उसके हिसाब से, उसके यूनिकनेस के हिसाब से वो क्या बताता है कि बट बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक it cannot contain the prime number 5, है ना. तो uniqueness of fundamental theorem of arithmetic क्या बोलता है कि अगर आप किसी composite number को उसके prime factors में convert कर देते हो तो वो जो prime factors आपके निकले वो unique है, उसके अलावा उसके दूसरे prime नहीं हो सकते. तो हमको यहाँ पे क्या मिला 6 टू दी पावर n का, हमको प्राइम नंबर क्या मिला 2 एंड 3. तो इस यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से उसके दूसरे प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते, इसलिए हमने क्या लिख दिया, इट कैनॉट कंटेन द प्राइम नंबर 5. और अगर उसके उसके अगर प्राइम फैक्टर्स में आपका यूनिकनेस से अगर हम लोग देखेंगे उसके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर प्राइम नंबर 5 नहीं आया, इसका मतलब इट कैनॉट एंड विद द डिजिट 0. तो यहां से हमको क्या क्लियर हो गया, विच इंप्लाइज 6 टू द पावर n कैनॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. तो ये थी इसकी सॉल्यूशन, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया. तो ये जो था, इस तरीके का क्वेश्चन को आपको क्या करना, इसे थ्योरेटिकली ऐसे प्रूफ करनी रहेगी, जो कि बहुत इजी है. आप आगे मेरे साथ बने रहिए, इस चैप्टर की सारी क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा और आपकी जो कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल है, वो स्ट्रांग करके दिखाऊंगा. अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ. थैंक यू.